हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये बड़ा ही खूबसूरत शेर है जनाब अकबर अलाहाबादी साहब का, और ये बिग बॉस के सीजन में किस पे फिट कर बैठता है आप समझ तो गए ही होंगे। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताजो आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों, सुरभि राणा सृष्टि के बाल पकड़ के खींचे तो कोई बात नहीं, और शिवाशीष लात मारे तो वो पूरी फुटेज दिखाई जाती है, फिर सृष्टि को सभा धक्का देके गिरा देती है और सृष्टि को सॉरी भी फील करना पड़ता है, सॉरी मांगना पड़ता है और जेल भी जाना पड़ता है, और फिर गिफ्ट के तौर पे वो जो कैप्टनशिप है वो सुरभि जी को दे दी जाती है प्लेट में रख के, और उसके बाद टास्क में श्रीशांत मना करे तो बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, और सुरभि राणा टास्क को मना करे कि मैं तो वेज हूं। बिग बॉस में इतने दिन हो गए, अभी तक तो बिग बॉस वालों को पता होगा कि कौन वेज है कौन नॉन वेज है, और उसको मछली खाने को थोड़ा बोल रहे थे, वो टास्क है और वो रोडीज जैसा शो कर चुकी है। तो उसके बाद सलमान खान जैसे ही सिगरेट वाली बात छेड़ते हैं तो तैसे ही जैसे बटन लगा होता आंसुओं वाला ना, वो बटन दबाती है और ऐसा टैब में भी पानी इतनी तेजी से नहीं आता, टपक 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 आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। यार कमाल की, उसको तो बॉलीवुड में बहुत अच्छी जगह पे होना चाहिए, इतनी बड़ी एक्ट्रेस। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भैया अगर उसने सिगरेट नहीं पी थी तो वो जब जसलीन मटारू ने उसको रोका तब उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, बाद में इतना तांडव क्यों किया, जब अनूप जलोटा और शीर्षा ने कहा तो इतना तांडव, तब वहां पे रिएक्ट नहीं किया, वहां पे ऐसे बोल दिया कि चल चुप करना, और फिर बाहर आके वो इतना ज्यादा परफ्यूम से नहाई क्यों, इतना ढेर सारा परफ्यूम क्यों लगाया उसने, और उससे शर्म पता चलता है। वो क्लिप दुगाने की क्या जरूरत थी, वो तो सुरभि राणा के ही खिलाफ जाती है, वो क्लिप देख के लोगों को लगा कि हाँ भैया सिगरेट तो पी थी, शर्म पता चलता है। और कईयों ने ऐसे भी ट्विटर पे कमेंट किए कि मम्मी को सिगरेट का पता चल जाए तो उनको दुख होगा। भैया मम्मी को दो दो बॉयफ्रेंड पता चलने का भी तो दुख होगा, ये भी लोगों ने कमेंट किए। इस तरह के बहुत कमेंट्स आए और ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुरभि कुछ भी करे उसको कुछ भी कहा क्यों नहीं जाता, ऐसा क्यों है, मतलब इतनी गालियां देने के बाद। मुझे याद है कि बिग बॉस 11 में एक बंदे को बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अर्शी खान को कहा था 2 रुपीज औरत। तो यहां पे तो पता नहीं क्या क्या गंदा बोला 9 बजे के शो में, फैमिली शो में उसने, कि मतलब मैं नहीं बोलूंगा वीडियो में, आपको पता ही क्या क्या बोला उसने, तो वो पॉइंट आउट भी नहीं किया गया बिल्कुल, ऐसा क्यों। तो मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों। तो ये भी बिग बॉस की स्ट्रेटजी हो सकती है कि सुरभि राणा को इतना ज्यादा अब उसको लगेगा कि मैं तो एक जंगल की शेरनी हूं, और अब वो टीआरपी के लिए और ड्रामा करेगी और घर घर में मसाला देगी और ज्यादा शो में जान, और ज्यादा जैसे लोग कहते हैं कि लड़ाई, बहुत सारे लोगों को लड़ाई झगड़ा देखने का शौक होता है, इसलिए स्वामी ओम की वीडियो भी इतनी ज्यादा पॉपुलर होती थी, हालांकि कई लोग मानने को तैयार नहीं है कि सुरभि स्वामी ओम है, लेकिन हमने पोल भी किया था कि क्या सुरभि ने सिगरेट पी थी, तो 60% लोगों ने बोला कि हाँ पी थी, तो 20% लोगों ने बोला गांठ से, और बाकियों ने बोला कि नहीं पी थी या नहीं पी वाले बहुत कम थे। तो ये जो मामला इतना तूल इसलिए पकड़ा, तो ये एक कमेंट हमें ये भी आया कि ये मामला इतना तूल पकड़ जाएगा, इतनी ज्यादा वो खुल हो जाएगी, फिर एक दिन वो ऐसा कांड कर देगी उस आजादी के घमंड में आके, और फिर बिग बॉस का जो हथौड़ा उस पे सर पे गिरेगा, फिर वो प्रियंका जग्गा की तरह घर से आउट होगी, लीव माई शो नाउ कह के।
तो इस तरह का भी सुरभि राणा का, जो लोग इस भ्रांति में है कि सुरभि राणा जो है फाइनल फोर में जाएगी या बिग बॉस भी जीत जाएगी, कहीं तो ऐसे लगता है कि ये कहीं तो उसको शिल्पा शिंदे के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं भाई, तो वो कृपया इस भ्रांति को मन से निकाल लें। तो ये सुरभि राणा की जो चीजें हैं, तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि अब ड्रामा खत्म होने वाला है। तो मुझे ये जो मैं बोला, ये मेरे पर्सनल विचार है, मेरे अपने थॉट है, तो आपके थॉट क्या कहते हैं? मेरे साथ एग्री करते हैं तो भी बताइए कि हाँ आप अग्री करते हैं, आप नहीं अग्री करते तो बिना गाली दिए आराम से, तो प्यार मोहब्बत से मुझे समझाइए कि नहीं आप गलत हो। तो वो तो बहुत अच्छी है सुरभि राणा, तो बहुत संस्कारी है। तो आप अपना कमेंट जो जैसा भी है वीडियो के नीचे कीजिए, तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.